कराची में दहशतगर्दों का राज, कातिल भरे बाजार में मारूफ कवाल अमजद साबरी को शहीद करके फरार। दो रोज कबल चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट का बेटा, आज मारूफ की टारगेट किलिंग, शहर में अमन कब कायम होगा। गाड़ी को लियाकताबाद में निशाना बनाया गया, मोटरसाइकिल सवार टारगेट किलर्स ने 5 से 6 फायर किए, अमजद साबरी को सर और सीने पर गोलियां लगी। वज़ीर-ए-आज़म की अमजद साबरी के अहले खाना से ताज़ा, कातलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, साबिक सदर जरदारी और दीगर नुमाओं का इजहार मजम्मत। टारगेट किलिंग के खिलाफ एमकेएम का यौम सोग का ऐलान, मंजूर वसान कहते हैं रमजान का आखिरी अशरा इंतहाई असास है। ने मुतल्लिका थाने के डीएसपी और एसएचओ को मुअत्तल कर दिया, चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट के बेटे के अगवा के मामले पर एसएसपी साउथ और एसपी क्लिफ्टन को हटाने का हुक्म। वजीर आला सिंध से कोर कमांडर कराची की मुलाकात, अवैध शाह की बाजियाबी पर बातचीत, जल्द बाजियाब करा लेंगे, डीजी रेंजेस की चीफ जस्टिस को यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासी उमूर पर सीनियर कयादत से शावरत का फैसला, कल कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। पंजाब में गुड गवर्नेंस बारिश में बह गई, लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। पाक अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दों की आमदोरफ्त नामुमकिन, 14 अरब रुपए की लागत से 1100 किलोमीटर खंदक की खुदाई मुकम्मल। कंदील बलोच के साथ सेल्फियां, मुफ्ती अब्दुल कवी को ले डूबी, रोयते हिलाल कमेटी की रुकनियत मुअत्तल, अब ईद का चांद नहीं देख पाएंगे, तहरीक इंसाफ से भी फारिग। आजाद कश्मीर में मेडिकल इम्तिहानात में बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा और तालबात का एहतजाज, पुलिस का बदतरीन लाठीचार्ज, मुतादिद मुजाहिरीन पकड़ लिए। और अमेरिका में सदारती इंतखाबी मुहिम में हिलरी का पलड़ा फिर भारी, डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया।